हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए, और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है, और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए, और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है, उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, हम कुछ दिनों से स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी थी स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। उसके बाद हमने स्विंग के लोस किस तरह से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं उसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, और आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं एग्जिट स्ट्रेटेजी के ऊपर। दोस्तों, जब भी हम कोई स्टॉक में पोजिशन बनाते हैं तो हमारा एग्जिट दो तरीके से होता है। एक तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम एग्जिट करेंगे, या तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा और हम उसमें से एग्जिट करेंगे। तो कौन से भी स्टॉक में जब भी हम पोजीशन बनाते हैं तो एंट्री करने से पहले हमें उसके एग्जिट के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए हम पोजीशन बना लेते हैं, स्टॉक हमारे डायरेक्शन में जाता है और एक लेवल पे प्रॉफिट दिखने के बाद हम वहाँ पे एग्जिट करते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट पे ही स्टॉक में और भी ज़्यादा मूवमेंट आने लगती है और स्टॉक और भी ऊपर जाता है, तो हमें लगता है कि हमने गलत एग्जिट किया। कभी कभी क्या होता है कि हमें प्रॉफिट दिखता है, हमें लगता है कि स्टॉक और भी ऊपर जाएगा, लेकिन हम वहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करते और वहाँ से स्टॉक नीचे आने लगता है, तो फिर से हमें पछतावा होता है कि वहाँ पे हमने अगर प्रॉफिट बुक किया होता तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता था। तो इस तरह का प्रॉब्लम मैक्सिमम टाइम पे आता है, तो उसका ही सोल्यूशन देने के लिए आज का वीडियो में बना रहा हूँ। आज की वीडियो में हम एग्जिट स्ट्रेटेजी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ की है, तो ये फिगर के सहारे हम समझ लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमें एग्जिट करना है। तो मान लीजिए ये ब्लैक जो लाइन दिख रही है वो स्टॉक के प्राइसेस है, उसके नीचे जो हमें ये ग्रीन लाइन दिख रही है वो हमारी मूविंग एवरेजेस है, और ये जो दो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन्स है वो हमारे टारगेट्स है। अभी एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम देख लेते हैं कि इसमें हमें बाय कहाँ पे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, और टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए ये जो कैंडल हमें दिख रही है, ये कैंडल का हाई अगर 0.10% से ब्रेक होगा तो हम वहाँ पे बाय करेंगे, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ कि प्रीवियस कैंडल का हाई अगर डेली कैंडल स्टिक चार्ट रहेगा तो उसका हाई अगर 0.10% से ब्रेक होता है तो उसमें और भी मोमेंटम आने लगता है, तो इसीलिए हम 0.10% से हाई जब भी ब्रेक होगा तो वहाँ पे हम पोजीशन बनाएंगे। अभी स्टॉप लॉस के लिए इसका लो जो भी रहेगा उसके थोड़ा नीचे हम क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि बहुत बार ट्रेडिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस हिट होता है लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे मैक्सिमम टाइम पे हिट नहीं होता, तो क्लोजिंग बेसिस पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। और टारगेट के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, टारगेट के लिए अभी हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई होती है, ये कैंडल बनने के बाद उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वहाँ पे हमने पोजीशन बनाई होती है, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, रिसेंट हाई जो रहेगा वो रिस्पेक्टिव चार्ट का वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे भी हमें रिसेंट हाई मिलेगा वहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, क्योंकि जो भी रिसेंट हाई रहेगा वो हमारे लिए रेजिस्टेंस वर्कआउट होने वाला है, तो उसी वजह से जब भी वो पहला रेजिस्टेंस या रिसेंट हाई आएगा वहाँ पे हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ पे भी हम पूरी क्वांटिटी नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे। पार्शियल प्रॉफिट बुक क्यों करना है, क्योंकि मान लीजिए ये रिसेंट हाई को ब्रेक करके और भी ऊपर जाता है तो वो और भी ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि जो रिमेनिंग पार्शियल क्वांटिटीज है वो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे देंगे, तो उसी वजह से हम यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे। और मान लीजिए अगर रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए वो यहाँ से नीचे भी आता है तो हमने पार्शियल क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक किया होता है, और जो रिमेनिंग पार्शियल क्वांटिटी है वो नीचे जाकर हम ट्रेलिंग पे बुक करेंगे, तो कुल मिलाकर हम प्रॉफिट में ही रहते हैं, तो इसीलिए हमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है। तो ये जो पहला रिसेंट आया था वहाँ पे हम फर्स्ट टारगेट विद पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे, और वहाँ पे हम रिमेनिंग क्वांटिटी को ट्रेल करते जाएंगे। मान लीजिए आगे जाकर ये
रिसेंट हाई को भी ब्रेक करके ऊपर जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला रिसेंट हाई था वहां से प्रीवियस चार्ट देखेंगे, और वहां पे और कोई रिसेंट हाई अपर साइड में मिलता है क्या वो देखेंगे, और वहां पे हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, वो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। यहाँ पे हम एक तो पूरी क्वांटिटी भी बुक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी पार्शियल करके जो भी रिमेनिंग रहेंगे उसे हम लॉन्ग टर्म के लिए भी कैरी कर सकते हैं यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इस तरह से करना है दोस्तों, तो हमारा एग्जिट सही जगह पे हो जाता है। अभी ये फिगर के जरिए तो मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चार्ट पे हम समझ लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने अदानी पोर्ट्स का चार्ट लिया है, ये कैंडलस्टिक चार्ट है और ये डेली चार्ट है। अभी जो सिनेरियो मैंने फिगर में बताया था एग्जैक्टली सिनेरियो यहाँ पे भी क्रिएट हुआ है, तो उसीलिए मैंने ये रिस्पेक्टिव स्टॉक लिया है। तो ये स्टॉक के ऊपर हम समझ लेने की कोशिश करेंगे कि अगर ये स्टॉक में हम ट्रेड करते तो हमें किस तरह से एंट्री एग्जिट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए स्टॉक ट्रेड करते करते यहाँ से नीचे आ गया, नीचे आने के बाद ये कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। जब भी हमें ब्रेकआउट मिला तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है इसमें पोजीशन बनाने की, राइट। तो हम पोजीशन कहाँ पे बनाएंगे, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि जब भी ये जो कैंडल रहेगी इसका हाई अगर 0.10% से ब्रेक होगा ऊपर के साइड में तभी हम इसमें पोजीशन बनाएंगे। अभी यहाँ पे हमने डेली चार्ट लिया, तो डेली चार्ट के लिए मैक्सिमम टाइम पे 0.10% से जब भी स्टॉक ऊपर जाता है तो उसमें एक मोमेंटम बनता है, तो मोमेंटम बनने के बाद ही हमें इसमें पोजीशन लेनी है। इसलिए हम 0.10% से इसका हाई जब भी ऊपर के साइड में ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। अभी ये एंट्री का तो हो गया, जैसे कि मैंने बोला कि हमारी एग्जिट जो रहेगी वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम एग्जिट करेंगे, या तो हमारा टारगेट हो जाएगा और हम एग्जिट करेंगे। अभी स्टॉप लॉस का जैसे मैंने बोला कि ये जो कैंडल रहेगी इसके लो के थोड़ा नीचे हम क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। जैसे कि मैंने बोला कि क्लोजिंग बेसिस पे क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ट्रेडिंग बेसिस पे बहुत बार स्टॉक नीचे जाता है और फिर क्लोजिंग क्लोजिंग के टाइम पे ऊपर जाकर क्लोज होता है, तो इसमें गलत तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि हमारा जो भी स्टॉप लॉस रहेगा वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा होगा तो हमें लॉस ज्यादा होगा। तो इसलिए हमें स्टॉप लॉस कम से कम जगह पे रखना है, कम से कम ये जो कैंडल है वो इस तरह की हमें देखनी है कि जिसमें जो कैंडल का डिस्टेंस है, क्योंकि हम हाई के ऊपर बाय कर रहे हैं और लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो उसी वजह से ये कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो उसके वजह से अगर ये कैंडल ज्यादा बड़ी होगी तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा नीचे रहेगा और हमें लॉस ज्यादा हो जाएगा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसी वजह से हमें ये कैंडल ज्यादा बड़ी होगी तो उसको अवॉइड करना है। जितनी कैंडल छोटी रहेगी, छोटी यानी बहुत भी छोटी नहीं, एक ब्रेकआउट कैंडल जैसी दिखनी चाहिए। अगर स्विंग ट्रेडिंग का हम सोचते हैं तो 2% 3% मैक्सिमम 4% तक अगर आपको स्टॉप लॉस होता है तो आप बियर कर सकते हैं। उसके रिस्पेक्टिव आपको 8% टू 10% का टारगेट अगर मिलता है तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल हो जाता है। तो उस तरह की कैंडल देख के आप पोजीशन बना सकते हैं, तो उसके लो के थोड़ा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो इस तरह से स्टॉप लॉस पे आप एग्जिट कर सकते हैं। अभी जैसे टारगेट का मैंने बोला, टारगेट के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी ये कैंडल के नेक्स्ट कैंडल पे, तो यहाँ पे पोजीशन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम रिसेंट हाई आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। जब भी हम यहाँ से प्रीवियस चार्ट देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक रिसेंट हाई दिखता है, तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्क करूंगा। अब ये जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन हमने मार्क की है ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। यहाँ पे आने के बाद हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला पार्शियल प्रॉफिट ही क्यों बुक करना है, क्योंकि मान लीजिए हम यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हैं और आगे जाकर ये स्टॉक ब्रेक करके ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा कि हमारी रिमेनिंग पार्शियल क्वांटिटी हमें अच्छा खासा टारगेट, सेकंड जो टारगेट है वहां तक ले जाएगी और कुल मिला के हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें दोनों जगह पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। और मान लीजिए कि यहाँ पे ये ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता और यहाँ से ही नीचे आने लगता है तो क्या हो जाएगा कि एक प्रॉफिट हमारा यहाँ पे बुक हुआ था और नीचे जाने के बाद जब भी हम ट्रेल करेंगे तो ट्रेलिंग के साथ हमारा दूसरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम दोनों जगह पे भी प्रॉफिट बुक करके ही बाहर आएंगे। तो दोनों सिचुएशन में भी हम अच्छे खासे प्रॉफिट में ही रहते हैं, और दोनों सिचुएशन में भी ये हो जाता है कि पहले सिचुएशन में ब्रेक करेगा तो हायर प्रॉफिट के लिए हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है पार्शियल की वजह से, और मान लीजिए ब्रेक भी नहीं करेगा तो पार्शियल तो हमने बुक किया होता है तो रिमेनिंग क्वांटिटी ट्रेल करेंगे तो कुल मिलाकर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। तो ये दोनों भी तरीके से हमें बेनिफिट होता है, इसलिए हम पहले टारगेट पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे, राइट। तो इसलिए हमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है। अब ये रिसेंट हाई हमारा जो भी था उसे हमने पहला टारगेट कंसिडर किया, अभी हमें जो दूसरा जो टारगेट है हमारा सेकंड टारगेट उसको भी मार्क करना है। तो उसे किस तरह से हम करेंगे, तो ये जो रिसेंट हाई था हमारा उसके पीछे कोई रिसेंट हाई मिलता है क्या वो देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ रिसेंट हाई मिल रहा है, लेकिन इतना वो ज्यादा इससे ऊपर नहीं है, कुछ व्हिप्स ऑफ मूव होते रहते हैं उसकी वजह से वो क्रिएट होता है, इसलिए हम उसे अवॉइड करेंगे। और कोई दूसरा रिसेंट हाई मिलता है क्या वो देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे प्रीवियस चार्ट देखते देखते मुझे यहाँ पे एक रिसेंट हाई मिल गया,
तो यहाँ पे डिस्टेंस भी अच्छा खासा लग रहा है तो मैंने इसे मार्क कर दिया। तो यहाँ पे हमने पोजीशन बनाई थी, हमारा रिसेंट हाई था ये, तो ये हमारा पहला टारगेट हो गया। जैसे मैंने प्रीवियस चार्ट देखने शुरू कर दिए, तो ये इस तरह के जो विप स्वॉर्म होते हैं उसे मैंने अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया, और उसके पीछे जो भी मुझे अच्छा खासा रिसेंट हाई मिला या नेक्स्ट, उसे हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी कहेंगे। या हमारा पहला रेजिस्टेंस या हमारा दूसरा रेजिस्टेंस, इसे हम रिसेंट हाई भी करें कहेंगे, रेजिस्टेंस भी कहेंगे, राइट। तो प्रीवियस जाते समय जो भी मुझे रिसेंट हाई या जो भी रेजिस्टेंस मिलेगा वहां पे मैं दूसरी लाइन मार्क करूंगा, वो हमारे सेकंड टारगेट रहेंगे, राइट। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों कि हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे तो स्टॉप लॉस कंपेरेटिवली हमारा नजदीक रहेगा, टारगेट हमारा दूर रहेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। उससे भी हम इसमें भी हम अच्छी खासी कैंडल ढूंढकर उसमें पोजीशन बनाएंगे तो स्टॉप लॉस भी फिर से नजदीक हो जाएगा। अगर गलती से स्टॉप लॉस हिट होता है तो वहां पे भी लॉस हमें कम ही होगा। और ट्रेड करते समय अगर हमारे डायरेक्शन में जाता है तो रिसेंट हाई हमारा या रिसेंट हाई या तो पहला रेजिस्टेंस हमारा पहला टारगेट रहेगा, नहीं तो जो नेक्स्ट रिसेंट हाई या नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। अभी दूसरा टारगेट जब भी आएगा तो हम वहाँ पे रिमेनिंग पार्शियल बुक करेंगे और रिमेनिंग क्वांटिटी को हम कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेल करते जाएंगे। तो ऐसा करेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें एग्जिट करना चाहिए दोस्तों। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और हमें अच्छी खासी बाइंग पोजिशन मिलती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ रिसेंट हाई हमारा मिलता है, तो वहां पे हम पोजीशन बनाएंगे तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होने की संभावना रहती है। तो इस तरह से रिसेंट हाई या रिसेंट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके भी हम हमारी एग्जिट स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है ये रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जितना भी डिस्कस किया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे एग्जिट के स्ट्रेटेजीज रहते हैं, उनमें से मैंने एक स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों आपको इससे कुछ तो फायदा हुआ होगा। दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।